बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ऑलमोस्ट 40 डिग्री स्टीप है ये, अब ग्रेडियंट। आपने थाईलैंड के शॉट देखे हुए होंगे, वो लोग अपना बाजार लगाते हैं, सेम ये वही बाजार है। चिरता से कराची चलाओ। यहाँ पे एक बोट भी जो है वो हमारे साथ ट्रैवल कर रही है चमन तक, और ये प्रेग्नेंट है। क्या बेच रहे हो ये? बीज। किस चीज का बीज है ये? सामने लोकोमोटिव शेड, जेल के अंदर से देख रहे हैं आप अभी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप सब लोग? आज इंशाल्लाह एक नए सफ़र के ऊपर आपको लेके चल रहे हैं। RG20 आयरन हॉर्स नज़र आ रहा है आपको, तो आज आपको मैं लेके चल रहा हूँ चमन 349 अप चमन पैसेंजर के ऊपर। तो हमारा आज का जो जर्नी है वो बहुत स्पेशल है, और आने वाला जो वाकयात और हालात हैं वो इंशाल्लाह आपको सब दिखाएंगे इसकी। और इस वक्त मेरे साथ जो हैं बहुत ही स्पेशल जो गेस्ट हैं हमारे वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे? खैरियत से और ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल, आप सुनाए सर? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? शुक्र है सर, अल्लाह का फजल, आप सुनाए? आ गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह आ गए सर, बस आप भी आ गए, बस इंशाल्लाह भी जाएंगे, शिलाबाग में कवर करेंगे, फौजा टनल को चमन जाएंगे, वहाँ की जो तारीखी जगह है वो देखेंगे। तो आपने मुझे सारी चीज़ें दिखानी है, मैं तो कभी नहीं गया इसके ऊपर, तो आप मुझे साथ साथ बताएंगे और इंशाल्लाह इसको हम मिल के कवर करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो गाइस ये हैं हमारे सोहेल भाई, कोयटा के सबसे बड़े रेल फैन, इनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है। और इंशाल्लाह अभी तकरीबन 8 से 10 मिनट हैं चमन पैसेंजर को निकलने में, तो अपना जर्नी जो है कुछ देर में स्टार्ट करते हैं। कोयटा स्टेशन पे 349 अप चमन पैसेंजर जो है उसको डाउन सिग्नल मिला है, और ये दो RG20 यहाँ पे मौजूद हैं, और गाड़ी जो है वो चलने को तैयार है। तो दोस्तों चमन पैसेंजर 349 अप पे हमारा ट्रैवल जो है वो कोयटा से स्टार्ट हो चुका है। आज आपको एक डिफरेंट व्यू जो है वो मैं दिखाऊंगा, रेयर व्यू, तो होपफुली आपको पसंद आएगा ये वाला व्यू भी। सुबह तकरीबन 9:15 बजे का टाइम है, और आज 5 अप्रैल है, और हमारा सफ़र कोयटा रेलवे स्टेशन से चमन रेलवे स्टेशन तक के लिए जारी है। बलेली ब्रिज से पास हुई है चमन पैसेंजर ट्रेन, चमन के रास्ते में जो पहली टनल है वो हमने क्रॉस की है अभी, 17 नंबर टनल। RG20 की विस्लिंग सुन रहे हैं आप, अभी ब्रेक अप्लाई हुए हैं। अब चमन पैसेंजर जो है इस वक्त कुछ लाख के एरिया में एंटर होने वाली है, और समलई के पास से अभी गुजर रहे हैं हम।
थोड़ा सा आपको मज़ीद मैं ये रेयर व्यू दिखाता हूँ, उसके अलावा फिर मैं आपको अंदर से जो कंपार्टमेंट है बोगी है वो भी दिखाऊँगा। 349 अब चमन पैसेंजर जो है वो अप्रोच कर रही है कुचलाहा रेलवे स्टेशन पे। स्टॉप हुआ है यहाँ पे स्टेशन पे कुचलाहा पे। ML3 के ऊपर जो हमारा सफ़र है वो चमन रेलवे स्टेशन तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। कंपेनियंस हैं हमारे साथ यहाँ बहुत बहुत, अभी चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाकी चीज़ें भी। इस सेक्शन पे 40 किलोमीटर जो स्पीड लिमिट है वो बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा। ग्रेडियंट सेक्शन है, अब ग्रेडियंट जा रहे हैं हम। अच्छा, इससे पहले जो ट्रेन है वो आउटर सिग्नल पे रुकी हुई थी कुचलाहा के, तो अभी हम जो है वो कुचलाहा स्टेशन के ऊपर एंटर हो रहे हैं। सतह समंदर से बुलंदी 1572.46 मीटर, काफ़ी हाइट है ये, लगता नहीं है वैसे देखने में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, खैरियत से? किधर जा रहे हैं? चमन जा रहे हैं। चलो हम भी आज आपके साथ सफ़र कर रहे हैं। कितना टाइम लगता है इस गाड़ी में चमन तक? 8:30 क्वेटा से रवाना होता है, 1 बजे उधर। 1 बजे पहुंच जाएगा, 1 बजे। तो अच्छा रास्ता है, खूबसूरत है। खूबसूरत है, शिलाबाग उसका बेहतरीन जगह है। शिलाबाग पहाड़ है। तो ये मुझे बताएं, ये जालियां लगी हुई हैं इसके ऊपर खिड़कियों पे, तो ये पत्थर मारते हैं ना? पत्थर मारते हैं जी, पत्थर मारते हैं ये सराना सेट पर। कौन मारते हैं, बड़े या बच्चे? तकरीबन बालिग लोग मारते हैं। बालिग लोग मारते हैं, तो पढ़े लिखे होते हैं या वो आपको लगता है अनपढ़ होते हैं? तो आपके ख्याल में कैसे क्या करना चाहिए कि वो मना हो जाए ना मरें पत्थर? तो ये लीवीज को मरासला भेजना चाहिए, लीवीज इस पर एक्शन ले में, क्योंकि अच्छा। बाद लोगों का दांत टूट जाते हैं, किसी को मुसाफर में पोस नहीं, लेडीज में पोस नहीं। सही है, और इसके गाड़ी में तो रेलवे पुलिस क्या करे? सही कह रहे हैं। ये देखें गाइस, आपको निशान भी नजर आ रहे होंगे पत्थर लगने के, ये डेंट्स पड़े हुए हैं इसके ऊपर। तो मजीद ही मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अभी कुचलाहा रेलवे स्टेशन से 349 चमन पैसेंजर जो है डिपार्ट कर रही है, तो चलें अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे साथ साथ चमन तक के लिए पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बेबीज हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके हैं ये, आप लेके जा रहे हैं? तो ये पालतू हैं, घर में पाला है आपने इनको? तो क्या करते हैं आप, कारोबार करते हैं इनका? घर में पालते हैं, तो किस लिए ये पालते हैं आप, बेचते हैं इसको? बड़ा करेंगे? अच्छा, तो फिर उसके बाद इसको बेचेंगे। सही है। तो गाइस कंपेनियन आपने देख लिए हमारे, अभी मैं आपको कुचलाहा जो बाजार है वो दिखा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पास हो रही है। अभी बच्चे आपको फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, होपफुली इनमें से पत्थर कोई नहीं मारेगा। अभी एक बच्चे ने उठाया तो है कुछ, पर नहीं वो लेट हो गया। अभी ट्रेन कुचलाहा बाज़ार से पास हो रही है, आप देख रहे हैं कि कितनी करीब जो है ये गाड़ियाँ वगैरह पार्क हुई हुई हैं, बच्चों के झूले लगे हुए हैं, कचरा फेंका हुआ है ट्रैक के साथ साथ, तरबूज पड़े हुए हैं, ट्रेस पासिंग हो रही है। तो ये खूबी है कुचलाहा बाज़ार की। आपने थाईलैंड के शॉट देखे हुए होंगे, वो लोग अपना बाज़ार लगाते हैं, सेम ये वही बाज़ार है। ये देखें अभी ट्रेन गुजर गई है और लोगों ने अपना सामान जो है वो दोबारा से ट्रैक के ऊपर रखना शुरू कर दिया।
बहुत ही फेमस बाजार कुचलाक का। ट्रेन का सफ़र हमारा जारी है, चमन पैसेंजर 349 अप पे कोटा से चमन तक के लिए। कुचलाक से निकलने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको कोयटा के जो मशहूर सेब हैं उनके बाग नज़र आ रहे हैं। कोयटा इज़ फेमस फॉर स्वीट एप्पल्स। एमएल 3 के ऊपर धूल उड़ाती हुई चमन पैसेंजर और पत्थर ढूंढते हुए बच्चे। जब मैं रोल नहीं कर रहा था कैमरा उस समय 2-3 पत्थर लगे हैं हमारी वाली बोगी को। अभी मैंने दोबारा जो है वो कैमरा रोल करना शुरू कर दिया है, देखें अब इसमें कैप्चर होता है या नहीं होता। अपकमिंग जो रेलवे स्टेशन है वो बोस्तान जंक्शन होगा। बोस्तान जंक्शन से डिपार्ट हो गई हमारी ट्रेन। एक दफ़ा फिर आप फ्रेम में नैरो गेज के रेक्स देख रहे हैं। बागतावा में गया था, सांस चढ़ गया मुझे। 2 मिनट का स्टॉप था पर ड्राइवर साहब ने थोड़ी मेहरबानी की है कि 5 मिनट तक इसको रोक के रखा है। टर्न टेबल भी नज़र आ रहा है, वेंटेज। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन, हैरानकुन लोकेलिटी है ये। बहुत ही खूबसूरत पहाड़, जस्ट लाइक जैसे मार्स की मिट्टी नहीं होती रेडिश, सेम उसी कलर का पहाड़ है। तो आपने देख लिए थे, यहाँ पे गोल्ड भी जो है वो हमारे साथ ट्रैवल कर रही है चमन तक और ये प्रेग्नेंट है। खान साहब जो है वो फीड करा रहे हैं लैम्स को भी और अपने बेबी को भी। इसको कौन सा दूध पिला रहे हैं? क्या नाम है? पाउडर का? हाँ, पाउडर का। अच्छा, तो इसकी वो किधर है, अम्मा किधर है? माँ नहीं है इसका, मर गया। माँ मर गया इसका? ओ हो, सबका? सबका। ओ, ये तो मुश्किल होगा आपके लिए, काफी मुश्किल है ना। तो ऐसे पी लेते हैं दूध ये? पी लेते हैं। अभी यारू स्टेशन की तरफ अप्रोच कर रही है ट्रेन हमारी। अपकमिंग जो स्टेशन होगा वो यारू है। बिल्कुल ही वैरान जो इलाका है उसके अंदर ट्रैवल हो रहा है।
चारो रेलवे स्टेशन पे अप्रोच किया है ट्रेन ने बोस्तान जंक्शन से चलने के बाद। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप देखें, कॉलोनियल डिजाइन है बना हुआ। चौदह सौ छिहत्तर मीटर हाई है ये फ्रॉम सी लेवल। अभी गुलिस्तान जंक्शन पे खड़े हुए हैं और लोकोमोटिव में हम आए हुए थे चाय पीने के लिए, तो चाय हमने पी है, इसलिए थोड़ा सा पोर्शन जो मैं आपको नहीं दिखाया तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का, तो गुलिस्तान स्टेशन पे मौजूद है। यहाँ से अब हम चलते हैं अपने कंपार्टमेंट में और यहाँ से जो है ना वो चमन तक ड्यूल ट्रैक जो है वो स्टार्ट हो रहा है और सामने जो दर्रा है खोजक वो भी आ गया, तो इंशाल्लाह आगे के जो अब मनाजिर हैं वो आपको दिखाते हैं। हाँ जी सोहेल आ जाओ चलते हैं, बेहतरीन यार बस चाय पीने के लिए बुलाया था उन्होंने, पिक्चर खींचे हैं आप जल्दी से। अमजद शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम, आप फिर आज हमारे साथ सफर कर रहे हैं, तो हमारा पीछा तो नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं हम जाय कर रहे हैं। आप भी जा रहे हो चमन? बिल्कुल चले, जबरदस्त हो गया यार, देख के खुशी हुई आपको दोबारा, थैंक यू। चले चमन पैसेंजर जो है वो डिपार्ट कर रही है गुलिस्तान रेलवे स्टेशन से और सामने आपको खोजक का जो पहाड़ी सिलसिला है वो नज़र आ रहा है। ऐसा ऐसा अप्रोच कर रही है किला अब्दुल्ला रेलवे स्टेशन की तरफ और ख्वाजा इमरान पहाड़ी सिलसिला जो है या खोजक पहाड़ जिसको कहते हैं वो शुरू हो गया। आप ग्रेडियंट ट्रैक जा रहे हैं चमन की तरफ। किला अब्दुल्ला रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 349 अप चमन पैसेंजर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? आप रेलवे में क्या करते हैं? कांटे वाला अपॉइंटमैन। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमीर मोहम्मद। तो ये जो कितना अरसे से जॉब कर रहे हैं? किधर? कितने अरसा हो गया काम करते हुए रेलवे में? अभी दो साल हुआ है। दो साल हुआ है।
चले मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। पॉइंट्स मैन थे एक किला अब्दुल्ला रेलवे स्टेशन के, सतह समंदर से बुलंदी 1576 मीटर। चरता से कराची, कराची तो ये गाड़ी नहीं जाता है, ये तो चमन जा रहा है, आप कराची कैसे जाओगे? पत्थर किधर है? पत्थर क्यों मारते हो आप लोग, ये बताओ पहले, आप पत्थर मारते हैं गाड़ी को क्यों? नहीं मारता है, चलो वापसी आएगी तो फिर मारना है। ये क्या है? चलाओ कैसे चलता है ये? किला अब्दुल्ला का रेलवे स्टेशन कोटा चमन सेक्शन पे 480 किलोमीटर दूर है रोड़ी रेलवे स्टेशन से। अल्लाह हाफिज। टनल जो है वो करीब आती जा रही है और आप देखिए कितना स्टीप जो है वो अप ग्रेडियंट ट्रैक है। लेफ्ट साइड पे कर्व नज़र आ रहा है आपको, ऑलमोस्ट 40 डिग्री स्टीप है ये अप ग्रेडियंट। कोयटा चमन सेक्शन किला अब्दुल्ला के बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं चमन के लिए और RG20 आयरन हॉर्स ऑन मूव। Thank you.
शीलाबाग रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 349 अब चमन पैसेंजर। शीलाबाग रेलवे स्टेशन वन ऑफ द फेमस रेलवे स्टेशन ऑफ खोजक। चमन पैसेंजर ट्रेन का जो सफर है वो जारी है, शीलाबाग रेलवे स्टेशन जो है हम छोड़ रहे हैं। शीलाबाग की वीडियो आप देख चुके हैं टनल की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। एक ब्रीफ सी वीडियो मैंने बनाई क्योंकि यहाँ पर टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, इस वजह से अभी हम बाहर निकल आए हैं खोजक टनल से, शीलाबाग टनल से, और हमारा सफ़र जारी है चमन की तरफ। टनल आ गई छोटी सी, इसका नाम नहीं लिखा हुआ कहीं। उसके बाद तीसरी सुरंग आ गई है, ये थोड़ी सी बड़ी है उससे दूसरी वाली से। चौथी सुरंग आ गई है, क्या बेच रहे हो ये? बीज। बीज? हाँ। किस चीज का बीज है ये? ये बीज है ना, मूंगफली का बीज है। नहीं, बीज किस चीज का है ये? मरकश। हाँ। इसको खाते हैं? हाँ। कैसे खाते हैं? हैं। दिखाओ खा के कैसे खाते हैं? कितने का है ये? ये 10 का है। 10 रुपए का? हाँ। चलो एक दे दो ये मुझे। आप गाड़ी में भेजते हो ये सामान? हाँ। रोजाना? हाँ। कहाँ से कहाँ तक जाते हो? पुलिस स्टेशन से चमन तक जाता हूँ, फिर चमन से वापस आ जाता हूँ। चमन से फिर वापस आ जाते हो? हाँ। तो उर्दू समझ आती है कैसे? हाँ। घर में भी बोलते हो उर्दू? कराची में सीखा है। कराची में सीखा है? हाँ। वेरी गुड।
नीचे उतरना है, सामने नजर आ रहा है। अभी डाउनग्रेड शुरू हो गया है यहाँ से, वो नीचे देखें ट्रैक नजर आ रहा है। ऊपर सामने चेक पोस्टें देखें आप नजर आ रही हैं, ये अंग्रेजों के दौर की चेक पोस्टें बनी हुई हैं पुरानी और अभी तक मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, चमन अप्रोच कर रही है हमारी ट्रेन और डाउनग्रेड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी भी सेक्शन में ये वाला नज़ारा आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। इवन पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये नज़ारा नहीं मिलेगा आपको। शायद इस लेंस से ना नज़र आए और सामने आपको चमन सिटी नज़र आता है यहाँ से। कोशिश है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको चमन पैसेंजर का ट्रैवल दिखाऊं उतना अच्छा है। एक बार फिर टनल के अंदर एंटर हो गए, आई थिंक 8वीं टनल है ये। अपकमिंग स्टेशन जो है वो चमन रेलवे स्टेशन होगा और डाउन ट्रैक आ गए हैं काफ़ी। सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो पूरा पहाड़ उतरा है। चमन स्टेशन की तरफ अप्रोच कर रही है हमारी ट्रेन चमन पैसेंजर 349। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल वाली जो गाड़ी होती है उसमें बैठा हुआ। सेफ्टी फर्स्ट है भाई, क्या कर सकते। यहाँ जब भी मैं दरवाज़ा मैंने खोला है, गेट खोला है इसका ट्रेन का डब्बे का, तो लोगों ने मुझे मना ही किया है कि भाई जान ना खोले, बेहतर तो यही है। पर क्या करूं यार, फुटेज भी बनानी है, यहाँ से बन नहीं सकती है फुटेज। आपके सामने है ये सब खिड़कियों के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं, ये बच्चे बाहर तैयार हो रहे हैं पत्थर उठा रहे हैं, पर हमारा आखिरी डब्बा है तो टारगेट से कई दफ़ा आउट हो जाता है। अभी सिटी में एंटर हो रही है चमन पैसेंजर चमन सिटी के अंदर, बच्चे भी जमा है बाहर। ये टर्न टेबल नज़र आ रहा है आपको चमन रेलवे स्टेशन का और सामने लोकोमोटिव शेड, जेल के अंदर से देख रहे हैं आप अभी
चमन पैसेंजर का ट्रैवल। चमन रेलवे स्टेशन पे एंटर हो रही है हमारी ट्रेन और कोयटा से चमन का जर्नी हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और कंप्लीट वीडियो देखें और इसको शेयर करें।